अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान इक्तसादी एतबार से अपनी तारीख के एक बदतरीन दौराहे पर खड़ा है। ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी हिजान भी बरपा है, लेकिन हम फरोई मामलात में उलझे हुए हैं और असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो दिगरगुं होती चली जा रही है। IMF के साथ मुआहिदा जो है वो अब ज़रूरत बन चुका है और IMF को भी ये पता है कि उनके बग़ैर मामलात आगे बढ़ने के नहीं हैं, लिहाजा शरायत हैं कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रही और पाकिस्तान है कि घुटने टेकता चला जा रहा है। और इस सूरत हाल में अब एक मरतबा फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब का फरमाना है कि मामलात जो हैं वो करीब पहुँच गए हैं और वजारत ख़जाना की जानिब से जो बात कही गई वो ये थी कि रवां हफ्ते जो है IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा जो है वो तय पा जाएगा। अब स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा जाना जो है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर है और उसके बाद मामला जो है वो जाएगा बोर्ड में। अब बोर्ड की मीटिंग जो है उसने शेड्यूल होना है और क्या पाकिस्तान का ये जो मुआहिदा है ये उस एजेंडे पर है कि नहीं है, ये भी अभी तक एक इबहाम की जो है वो कैफियत है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर से बहुत सारे संजीदा सवालात उभर रहे हैं। सेनेटर रज़ा रबानी ये पूछ रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब जो हैं या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का दिफाई हिसार जो है वो दबाव में है, क्या पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है उस पर किसी किस्म की कदगन का कहा जा रहा है, सूरत हाल जो है वो क्या है। ज़ाहिर है स्टाफ लेवल के ऊपर तो 2+2=4 होता है, लेकिन बोर्ड लेवल के ऊपर मामलात सियासी सूरत हाल भी इख्तियार कर जाते हैं। अब शराइत तस्लीम करने के नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान भी बरपा है और इसमें लोग जो हैं चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो और फिर जो निचला तबका है वो तो बिल्कुल ही मारा गया है। ये सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच गई है कि जो कुछ अर्सा पहले तक बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना जो है वो भी मुश्किल होता चला जा रहा है। जो हमने टैक्सेशन की है और जो इकदामात उठाए हैं और डॉलर की कमी के बायस हमें जो कदरने लगानी पड़ी हैं, ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान में सनत के शोबे को भी धचका पहुंचा है। ज़ाहिर है सनत का शोबा जो है वो ज़रात के साथ साथ रोज़गार की फ्राहमी का एक बड़ा ज़रिया है और अब सब्सिडीज़ के हट जाने से और बिजली की कीमतों में इजाफे और दीगर अवामिल के बायस जो ज़रई शोबा है वो भी मुतासिर हो रहा है। ये सूरत हाल जो है क्या पाकिस्तान एक तवील अरसे तक इसका मुतहम्मल हो सकता है? ये बात जो की जा रही है कि हम दिवालिया नहीं होंगे, यकीनन दुरुस्त है, दिवालिया तो शायद ना हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम एक ऐसी सूरत हाल से दोचार हैं जहां प्रेशर कुकर में से स्टीम खारिज होने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है और अब जो उस प्रेशर कुकर की ऐसी सूरत हाल में हालत होती है वो इस वक्त हमारी हालत है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात, आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका आप अपना एक नुक्ता नज़र भी है और उस हवाले से वो दो टोक बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, साबिक सदर रहे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और एक सनतकार भी हैं, लिहाजा उस हवाले से भी उनसे बात होगी। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ुबैर मोतीवाला जो मुमताज़ सनतकार भी हैं, पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वो चेयरमैन भी हैं और इसके साथ साथ इस वक्त वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि IMF जो कहता जाए वो उस जो भी उनको स्क्रिप्ट दिया गया है उसके मुताबिक उस पे अमल करते चले जाएं कि किसी तरीके से ये मुआहिदा हो जाए। अब ये बात सामने आ रही है कि रवां हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदे की उम्मीद है,
ये उम्मीद कब तक हटेगी? क्या मसला क्या है, कोर प्रॉब्लम क्या है बीच में? शुक्रिया बुलाने का नदीम। देखिए, बात ये नहीं है यहाँ पर कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होती है और कब होती है। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को 30 जून तक $7 अरब के कर्ज़े वापस करने हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो डॉलर के वाजिबात हैं इंपोर्ट साइड पर, वो तो उसकी तो शक्ल आपने देखी हुई है कि हज़ारों कंटेनर अभी तक फंसे हुए हैं और LCs नहीं खुल रही, और उसकी वजह से मईशत बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका असर है, और एक दफ़ा आप एक्सपोर्ट मार्केट खो बैठें, उसको दोबारा वापस उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो बायर के बायर्स हैं, ख़रीदार जो हैं बैरूनी, वो दीगर साउथ एशिया ममालिक में जा रहे हैं। अब ये जो हालात हैं ये बहुत ही गंभीर है। IMF के साथ मुआहिदा जो है वो फंसा हुआ है, उन्होंने कुछ शरायत रखी थी, लेकिन वो शरायत जो थी उन पर चाहिए था कि हम प्रोफेशनल लेवल पर उनके साथ गुफ्तगू करते। जो उन्होंने अब एक दो शर्तें जो मान ली हैं, वो तो पाकिस्तान को और भी माशी तौर पर फंसा रहे हैं। आप ये देखिए ना, मैं आपको ज़रा एक आसान सी बात, एक सबसे बड़ा जो इसका वो है, इन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट को 3% से बढ़ा दिया है, 20% तक ले गए हैं। उसका असर जो बजट के ऊपर, उसके कई असरात हैं। सबसे पहले उसका असर है बजट के ऊपर। बजट में कम से कम इसकी वजह से 600 अरब रुपए दीगर बैंकों को दिए जाएंगे, जो सूद की मद में जाएगा उनके पास। अब उस जो जो एक्सपेंस होगा उसको पूरा करने के लिए IMF ने यह भी साथ शर्त लगा दी है कि आप GST और बढ़ा दें। देखिए, GST जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि आम कारोबार भी नहीं चल रहा, और उसका जो बोझ है कंज्यूमर के ऊपर, ख़रीदार के ऊपर, वो ऐसा है कि गरीबों को और वो ये इस बोझ के नीचे पिसा देगा। अब देखिए, एक तरफ वो जो अमीर तबका है, जो कर्ज़े देने वाले हैं, उनको वो 3% ये मतलब पाकिस्तान की तारीख में अव्वल नहीं हुआ, 20% हमारी तारीख में इतना ऊँचा नहीं गया, और ये इकोनॉमिक्स के तकाजों से बिल्कुल गलत कदम है। ये याद रखिए, 2008 के बाद जो मग़रबी ममालिक में जब हम मुश्किलात आएँ और उन्होंने जो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद बहुत से ममालिक ने कर्ज़े दिए, तो कर्ज़ों को निपटने के लिए वहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया, 1% और उसी के मदद से वो अपने कर्ज़ों का बोझ को संभाल सकें, और आज उनकी मईशत ग्रोथ पर आ चुकी है। मैं इसमें उसके बरअक्स किया जा रहा है। और हमारे जो टीम्स हैं उनको इन चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। वो इंटरेस्ट रेट को खुशी खुशी स्टेट बैंक और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये और बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर IMF के साथ समझौता अगर ना हुआ एक तरफ, तो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा 30 जून से पहले, और अगर उनके साथ समझौता हो भी जाता है तो आप इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे कि 30 जून से के बाद 1 जुलाई को आपको IMF के साथ नया समझौता करना पड़ेगा। मैं आता हूं डॉक्टर जुबैर साहब, ये हाँ, इसको ज़रा ब्रेक करके करते हैं ताकि हर इशू जो है उस पर बात हो सके। अंजुम निसार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब सूरत हाल दरपेश है, ठीक है आपकी सनत के शोबा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन ये जो डॉलर का बहरान है, ये कैसे इसके बारे में कैसे आप क्या सोचते हैं कि कोई इस पर काबू पाया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, और अफ़ग़ानिस्तान की सज़ा जो हम काट रहे हैं, इसका कोई इलाज है? देखिए जी, इलाज तो जो है, अगर डॉलर से अफगानिस्तान जा रहे हैं तो उसका इलाज तो गवर्नमेंट ने करना है, अरबाब इख्तियार ने करना है जो हुकूमत में बैठे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, देखें जब इकॉनमी में हलचल मचती है, अभी तो देखें फिर भी किसी हद तक
पहले तो 25-30-30 रुपए का फर्क था डॉलर का और इंटरबैंक रेट का। अब वो रेट कुछ नारा तो हुआ है, लेकिन फिर एक वंस अगेन वो दोबारा मतलब वो जनरेट हो गया है। तो हर किसी को देखें, हर बंदा देख रहा है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहा है, हर सरमायाकार देख रहा है, बाहर से जो रेमिटेंस भेजने वाला है वो ये देख रहा है, एक्सपोर्टर ये देख रहा है कि अगर तो आपका IMF के साथ मामला आपके तय आ जाते हैं तो फिर तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और रुपया भी अपनी कुछ थोड़ी सी वैल्यू अपना जो है वो अटेन कर लेगा। लेकिन अगर आपके जो रिजर्व जब तक वो बिल्ट नहीं होते, मैं समझता हूँ कि आपके जो मसाइल जो हैं और ये क्योस जो है सिस्टम में वो रहेगा। और हर दिन आप देखेंगे किस दिन 10 रुपये बढ़ गया, अगले दिन 2-4 रुपये कम हो गया, तो ये सिलसिला जो ये आंखों चोली चलती रहेगी। अच्छा, इसमें अब डॉक्टर जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि मैं इससे पहले के संजीदा सवाल आते हैं वो मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स करूंगा। जी एक्सचेंज रेट को आगे लेकर चलते हैं ना। हाँ नहीं, वो मैं वो उधर मैं उधर उसी पे आ रहा हूँ, मैं आप लेकर चलता हूँ। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर जुबैर साहब ये फरमाएगा कि जो अंजुम निसार साहब हैं वो तो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो जाता है तो फिर सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है, आपके मसाइल जो हैं वो किसी हद तक हल हो सकते हैं। लेकिन आपको दिखाई देता है कि अगर $7 अरब हमने अदायगी करनी है 30 जून तक और फिर हमारी ब्लीडिंग भी हो रही है वाया अफगानिस्तान, तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि असल बहरान तो डॉलर बहरान का है? जनाब देखिए, 7 अरब डॉलर की तो जो री जो रोल ओवर है वो तो पाकिस्तान ने एश्योरेंस दी है IMF को कि हम जून तक करा लेंगे। सुना है कि अभी इसहाक डार साहब की मीटिंग भी हुई है बिजनेस कम्युनिटी और मिलिट्री से, और उनको भी ये एश्योरेंस दी है। अब ये IMF तो अभी तक ये शर्त लगाई थी उन्होंने कि हमें आप लिख कर दें, शायद हो सकता है कि बोर्ड की अप्रूवल तभी आएगी जब ये ममालिक जो हैं दोस्त ममालिक चीन है, सऊदी अरेबिया है और शायद UAE भी है, कि ये लोग शायद उससे पहले अनाउंस कर दें। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा ये तो एक ऐसी चीज़ है कि चलो हो भी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉलर का बहरान है वो एक हद तक तो जून तक शायद संभल जाएगा और आपकी एक्सचेंज रेट कुछ स्टेबल हो जाएगी, लेकिन जो बुनियादी किल्लत है वो तो बरकरार रहेगी बल्कि पेचीदा होती जाएगी। क्यों? कि एक तो आपने मईशत को लाजमी खोलना है, इम्पोर्ट्स को अंदर आने देना है, मईशत को चलाना है, तो तब तक उससे जो इम्पोर्ट्स आएंगी उसकी आएंगी तो वो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर की कीमत में बढ़ना ही है। अब बात यह ना कि जो अभी तक इकदाम किए थे पूरे एक साल में इस हुकूमत ने और IMF के कहने पर, उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को तो बिल्कुल ही तरजीहात इतनी नहीं दी हैं। जो इंटरेस्ट रेट की थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी हटा दी है, तो आपकी जब डॉलर की कमाने की सलाहियत ख़त्म कर दी है तो इस बहरान से आप नहीं निकलोगे। एक कर्ज़ा लेकर दूसरा कर्ज़ा देना जो है रोल ओवर यही होता है ना, एक कर्जा लिया और पिछले वाले को फारिग कर दिया, इस बुरान से देख लेंगे। ये पाकिस्तान को और डबो रहा है, डबो रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है अब IMF के साथ मुआहिदा जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, पाकिस्तान की मजबूरी है, लेकिन जिस तरीके से एक ओवरऑल मनफी तासुर जो है वो आया है और उसके नतीजे में तकरीबन हर शोबा जो है वो इस वक्त मुतासिर दिखाई देता है, आपको लगता है के मुस्तकबिल खरीब में कोई उम्मीद अफजा सूरत हाल हो सकती है या ये दबाव जो है ये बढ़ता रहेगा? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो है ना बहुत सारे दबाव एक साथ हो गए,
अगर आप इनको सारों को देखते हैं तो देखिए IMF का एक एग्रीमेंट होना वो हमारे लिए मेरे ख्याल एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर गया है कि अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाता है और अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। इट इज द चॉइस बिटवीन द टू। अगर उसको आप अगर ऐसे देखेंगे तो आप IMF से मुआयदा नहीं करते तो क्या होता है, उसको जायजा लेना चाहिए। तो आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, फिर आपको डॉलर कहाँ पहुंचता है, फिर आपकी LCs ऑनर होती हैं कि नहीं होती हैं, फिर आपको दुनिया में कैसे डील करना पड़ेगा, फिर आपके जो है बहुत सारे सेंसिटिव मामलाते हैं उनकी कैसे आप हिफाजत करेंगे, तो सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए इस तरह के जो है ना वो IMF का तो मतलब तुर्रा इम्तियाज है ना जी। आप इजिप्ट को देख लें, आप कई और ममालिक को देख लें, वो अपनी एबिलिटी टू पे को क्रिएट करने के लिए वो आपके ऊपर ऐसे टैक्स लगाते हैं जो आम आदमी जो है उसको सहार ना सके। ये जो इतनी महंगाई है, अगर आप देखें कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को इतना बढ़ा दिया, गैस की प्राइसेस को बढ़ा दिया, फिर आपने RD लगा दी, पता नहीं ये इतने सारे काम किए, डॉलर जो है वो आपका 180 185 पे पहुंच गया, फिर आपका जो है ना 285 जी बिल्कुल, और जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% आप, और इसका मतलब 22-23% प्रैक्टिकली रेट हो गया। फिर इसके अंदर ये मसला एक और भी हो गया कि जी US और EU के अंदर रिसेशन आना शुरू हुआ है। अगर उन तमाम को भी चीजों को अगर आप देखते हैं, इन तमाम को, तो कैसे हम उसको अब चला सकेंगे अभी रिसेशन। दूसरी जो है ना, हमारे जो फॉरेन बायर्स हैं वो एक बात ये करते हैं कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आपका जो है ना आपके तो खुद लोग बात करते हैं कि बैंकरप्ट हो जाएगा, आपकी गवर्नमेंट बात करती है, तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें और हम आपके साथ सौदा कैसे करें, हम माल की कैसे कमिटमेंट आपसे लें। हमारी तो कमिटमेंट अगर आप पूरे नहीं उतरे तो हमारा शेल्फ खाली रहेगा, और शेल्फ खाली रखना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे मौत है, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, उनके किराए बहुत हैं, तो वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते, वो हमसे स्विच करके इंडिया और बांग्लादेश से माल की तैयारी करते हैं। अगर हमसे वो 100 यूनिट लेना चाह रहे थे तो अब मैंने सुना है कि वो 40 यूनिट के ऊपर यहाँ ले रहे हैं और बाकी 30 और 20 या 40 और 20 तकसीम कर रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया में। तो वो जो हमको एक विंडफॉल मिला जो कोविड के अंदर, जो हमने बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ा लिया और उसके अंदर जो कोई और दे नहीं सकता था, आज उनको हम पर भरोसा नहीं है। तो ये इतनी सारी बातें हैं कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नामसायब हालात का शिकार है, खास तौर पर जो है ना इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह इस मुश्किल का शिकार है कि इसमें से निकलना जो है वो कैसे है। मैं आता हूँ जुबैर साहब, अंजुम निसार साहब, अब ये डॉलर और उसके बाद बरामदात और उसके बाद बराह रास्त सरमायाकारी, तीन पहलू होते हैं कि आपको ये डॉलर्स जो हैं वो मिलें। इन तीन पहलुओं पे कोई बेहतरी की सूरत हाल आपको दिखाई देती है कि ये जो इकदाम हैं ये मज़ीद हमें दलदल में धंसा देंगे? देखिए जी, एक तो जनाब हमारी एक्सपोर्ट जो है दो तीन वजूहत है। एक तो खैर क्योंकि LCs नहीं खुल रही और बाहर जो हमारे कंपेटिटिव मुल्क हैं वो भी लॉबिंग यही कर रहे होंगे कि जी पाकिस्तान को आप ऑर्डर देंगे तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो एक तो आप उनको ऑर्डर ना दें। सबको नजर भी आ रहा है इंटरनेशनली जिस किस्म की पाकिस्तान से इकोनॉमिकल खबरें निकल रही हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमने कॉस्ट बढ़ा दी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी थी एक्सपोर्ट को दी हुई थी वो विदड्रॉ कर ली है, और एक्सपोर्ट का जो पहले आपको जो मार्कअप था वो पहले कम था, अब आपने सिर्फ काइबर से 3% नीचे रखा है। तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्टर्स की जो एक तरफ कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरी तरफ एक बेयकीनी भी है कि गुड सप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली आप देखें कि नुकसान ये होगा कि जब गैर यकीनी होगी तो, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफी डिक्लाइन पे आएंगी, और पहले ही हमारा जो रोना यही है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और हमारी इम्पोर्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से करंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। तो ये जो मौजूदा हालात है इसमें मैं समझता हूँ कि ये जब जितनी जल्दी गवर्नमेंट इनको फ्रेंडली कंट्रीज के साथ और IMF के साथ इसको वाइंड अप करें और मामला को आगे लेके जाएं, और ये क्योंकि हमने ये डिले की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये अक्टूबर नवंबर में ये मामला हो जाते जब आपके पास रिजर्व भी 10-11 बिलियन डॉलर के थे, तो इतना शायद हमारी इकोनॉमी को नुकसान ना होता, इतना रुपया डिवैल्यू ना होता, इतना कॉस्ट ना होता, और जो मुल्क में जो एक रुझान बन गया था कि हर रुपया को फौरी तौर पर डॉलर्स में या किसी
दूसरी इंटरनेशनल करेंसी में ट्रांसफर करवाएं, अगर वो नहीं मिलता तो चलो गोल्ड लेके रख लें। ये जो क्योस और पैनिक फैलाई गई है, मैं समझता हूँ कि उस वजह से बहुत ज्यादा जो हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ है। मैं आता हूँ अंजुम निषाद साहब जी, आपकी जो है ना रुपया जो फर्दर डिवेल्यू होगा, ठीक है कह रही है वो कुछ चीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जिस वजह से सारे पैनिक में है और किसी को कुछ नहीं पता कि इसमें क्या होना है, क्या होना है, जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है। मैं सुनेंगी जी तो गुड्स जो है आपके पास होंगी नहीं, तो लाजमी बात है आपकी इंडस्ट्री से अल्टीमेटली बंद होना है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ये जो आपकी इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, एक तो डॉलर की वजह से बढ़ी हुई है और दूसरा जो है आपकी जो शॉर्टेजेस की वजह से जो है ना आपकी जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, फूड इन्फ्लेशन हो या कमोडिटी इन्फ्लेशन हो, वो भी बहुत ज्यादा इस टाइम बढ़ी हुई है। तो ये बेयकीनी की एक कैफियत है, इससे गवर्नमेंट जितनी जल्द निकले। मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब। अच्छा डॉक्टर जुबैर साहब, अब सवाल ये है कि IMF के साथ माहिदा जैसे सब कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, लेकिन अब बड़े संजीदा सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं और मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे सेनेटर रजा रबानी साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब बताएं कि क्या हमारे एटमी असासे दबाव में हैं, पर ये बात भी हो रही है कि कोई डिफेंस बजट के हवाले से भी एक दबाव है। आप समझते हैं कि IMF जो है वो इस हद तक जा रहा है? देखें ये चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती, ये ऐसी बात मैंने अभी तक नहीं सुनी, ये तो ऐसी एक क्या कहूँगा आप पॉलिटिकल स्पेकुलेशन है, ठीक है ना। बात ये है जो उन्होंने कहा है वो ये है कि आप चाइना के जो आपने कर्ज़े देने हैं 30 जून तक, उनको आप रोल ओवर करवा के दें, वो किसी हालत में IMF का पैसा या जो बाकी वर्ल्ड बैंक से या बाकी दीगर बायलेटरल लेंडर से आएगा वो चाइना के कमर्शियल लोन्स की वापसी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अभी देखें ना, अभी मैं इसी ब्रेक में फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइंस देख रहा था कि श्रीलंका ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने चाइना के एक्सिम बैंक से लोन की रोल ओवर मंजूर करवा ली है, तो उसके बाद उनका IMF का जो पैकेज है तकरीबन $3 अरब का, वो IMF अब वो रेस्क्यू पैकेज उनको रिलीज़ करेगा। तो आप देख रहे हैं कि वो हर जगह, और यहाँ पर जब भी कोई गुफ्तगू हुई है उनके यहाँ पर स्टाफ से, तो उनको बस चाइना के जो लेंडिंग है उसकी फिक्र पड़ी हुई थी। आजकल अमेरिका चाइना के साथ एक बहुत खुलम खुला दुश्मनी में आया हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने वॉर्न किया अमेरिका को कि हमें कंटेन करने की कोशिश मत करो वरना हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा गार्ड रेल्स जो हमने पहले से जो हदें मुकर्रर की थी अपने ताल्लुकात में उनके अंदर रही है। तो आप देख रहे हैं कि चाइना जो है मेन कंसर्न अमेरिका के लिए चाइना है और IMF के लिए। अब वो ये CPEC और इन सब चीज़ों को बहाना बनाकर पाकिस्तान के जो इक्तसादी बुरे हालात हैं उनको उससे जोड़ रहे हैं, जो कि सच नहीं है। सच तो ये है कि चाइना ही है जिसने पाकिस्तान को इतने कर्जे दिए थे, इसलिए आज आपको वो वापस करने पड़ रहे हैं। जो हमारा मसला रहा है वो IPPs के ज़रिए रहा है, लेकिन वो सिर्फ चाइना की IPPs के साथ नहीं है, वो तमाम IPPs के साथ है जिसमें हमारे अंदरूनी जितने भी बड़े जो टाइकून्स हैं वो सब इन्वॉल्व हैं बीच में, और वो हर हकूमत का हिस्सा हैं, इसलिए नेगोशिएशन नहीं हो सकी है। मैं बता दूं आपको, ये कर्ज़ों का मसला जो है ये भी एक दिन हल हो जाएगा, लेकिन जब तक ये IPPs की एग्रीमेंट, बायबैक एग्रीमेंट्स और इतने 17% रेट ऑफ रिटर्न पर जब तक ये जारी रहेंगे, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। ठीक है, देखिए हमने तो, हमारी तो छोटी सी फैक्ट्री है, हमें इन्होंने क्या किया, नेप्रा ने अब जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हर कमर्शियल जो ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी पर उनके ऊपर डाल दिया है। लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं जब हमने बिजली इस्तेमाल भी ना की हो, हमने तो अपना ट्रांसफार्मर वापस कर दिया है और इसी तरह दीगर लोगों ने वापस किया है। ये मैं बता दूं आपको, जो बिजली का मद में जो हमारे IPPs की वजह से ये जो सारा सिलसिला नीचे की तरफ आ रहा है, रेट हर रोज़ बढ़ रहे हैं, नए नए उसके वो टैक्सेस लग रहे हैं,
ये तमाम पाकिस्तान को डबो रहे हैं, और IMF ने बिल्कुल दिल खोल कर यह पाकिस्तान को सजा दे रहा है, सजा दे रहा है। मैं आता हूँ डॉक्टर जुबैर साहब, उठाओ जी। अब इसमें जुबैर मोती वाला साहब ये फरमाइएगा कि ये अब क्या किया जाए, क्योंकि ये IMF का मामला तो फिर सियासी हो गया ना, कि हम चीन और अमेरिका की लड़ाई के अंदर हम फंस गए हैं, कि अब चीन के जो कर्जा जात हैं वो या रोल ओवर करवाते हैं तो हमारी जान बचती है, अगर नहीं करवाते हैं तो हम फंसे के फंसे हुए ही हैं, और ज़ाहिर है कि आपने अदायगियाँ भी करनी हैं, आपको वैसे भी ज़र मुबादला की ज़रूरत है, तो इसका कोई हल दिखाई देता है? देखिए, इसका हल क्या है, मैं आपको बताऊं, हल इसका कुछ और नहीं है जो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। बात ये है कि सारी जो है ना एक्सपोर्ट सब खत्म हो गई है, इसलिए कि जो काम आप कर रहे हैं IMF के कहने से, वो उसका जो उसका कुछ असरात जो है वो तो आपको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे एक्सपोर्ट के लिए। हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इम्पोर्ट कम करनी है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगानी है। अब जब आपने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट का रोल उसमें क्या है? हमने माल बेचना है, हमने बायर्स ढूंढने हैं, हमने काम करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही बात मांगते हैं, वो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं कर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उन्होंने 1 जनवरी से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, कभी ये कहीं होता नहीं। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस तरह से हमने काम चल जाएगा, अब जो मैंने 1.5 महीना जो मैंने फैक्ट्री चलाई है उसके मैं पैसे आज कहाँ से दूंगा? तो अगर आप और इलेक्ट्रिसिटी के रेट आपने टेक्सटाइल के लिए तकरीबन डबल कर दिए, ये फरमाइएगा कि जो ये महंगाई की सूरत हाल है, आप बतौर सनतकार जाहिर है कि आमदनी होगी तो आप खर्च करेंगे, ये आमदनी का मामला जो है ये अब किस तरीके से बेहतर हो सकता है, या आपको ये बहरान बढ़ता ही चलता दिखाई दे रहा है? अब देखिए जी, आमदनी का जहां तक मैं सनत के पॉइंट, वैसे तो इन्फ्लेशन जो है हर बंदा जो है वो फिक्स रह गया, खासतौर पे जो निचला तबका है, जो नौकरी पेशा हजरात हैं वो तो बिल्कुल ही क्रश हो गए हैं। और जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, कहने को तो देखिए जी, मार्कअप आपका 20% है, काइबोर 20% है, और उस पर फर्दर बैंक के 3-4% चार्जेस हैं, फिर लेट पे 23% है आपकी जो बोरिंग कॉस्ट है, लेकिन इनफैक्ट जो है आपकी प्रोडक्शन क्योंकि आधी हो गई है। पहले जो अगर आप लेट पे कि एक कंपनी 1,000 यूनिट बनाती थी, 1,000 पीसेज बनाती थी इन वन डे, अगर आप वो 500 पीसेज पे आ गए या 400 पे आ गए हैं, तो आप अंदाजा करें आपका जो मार्कअप लेवल है वो 23% नहीं रहता, वो अब जो पहले 1,000 में डिवाइड होना था वो 500 में डिवाइड होगा। तो प्रैक्टिकली तो आपका मार्कअप पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, यानी कि 40% से भी ऊपर चला जाता है, बिकॉज जो आपने फिक्स बोरिंग की हुई है प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, रनिंग कॉस्ट वाली तो चले किसी हद तक आप बच जाएंगे, लेकिन जहां आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट पे बोरिंग की है वो तो आपके एक फिक्स है, जो है अपने कॉस्ट है वो डेली बेसिस पे बढ़ रही है, भले आप इंडस्ट्री आप चलाएं या ना चलाएं। बिजली का मीटर रुक जाएगा, MDI का तो चलो जुबैर मोती वाला साहब ने भी जिक्र किया है कि वो जो कैपेसिटी चार्जेस अब हमसे भी लेना शुरू कर दिए है, और पहले फिक्स MDI चार्जेस किसी जमाने में लिए जाते थे, लेकिन फ्रॉम द लास्ट 5-6 ईयर वो निजाम खत्म हो गया था, अब दोबारा उसको रिवाइज कर दिया गया है। लेकिन ये जो आपका जो बोरिंग कॉस्ट ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये मीटर तो रुकने वाला है ही नहीं, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर ये बहरान ना संभाला गया तो ये आने वाले वक्तों में जिस तरह इंडस्ट्रियल क्लोजर्स हो रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और फिर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है, अल्टीमेटली इंडस्ट्री में बंद ही होना है, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बुरी तरीके से हिट होगी, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेड इंडस्ट्री जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर लगी हुई है उस पर भी उसका बैड इफेक्ट आएगा, वो भी इंडस्ट्री जो है वो बाहर से आने वाली जाएगी। मेरे पास अंजुम निसार साहब, मेरे पास बस 1 मिनट रह गया है। डॉक्टर जुबैर साहब, मुआहदा आपको होता हुआ जल्दी नजर आ रहा है,
आपको लगता है क्योंकि के बोर्ड के एजेंडे पर आ जाएगा इस महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरू तक अगर स्टाफ लेवल कोई इस हफ्ते डेवलपमेंट हो जाती है, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है? नहीं नहीं अफसोस है कि हो जाएगा। देखिए ये जो मुआहदा है ना, ये पाकिस्तान के लिए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लो डेथ, ये पाकिस्तान की मईशत को मार रहा है, ये दफन कर रहा है। ये मैं बता दूं, ये जो मुआहदा इस हुकूमत ने, मिफ्ता ने और इससे पहले शौकत तरीन ने और उससे पहले हफीज शेख ने जो मुआहदा किया हुआ है, ये पाकिस्तान को ख़त्म कर रहा है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, क्या डिफ़ॉल्ट करते या कि हम ये स्लो डेथ ले। मैं इस पर इस वक्त, ये बहुत लंबी बहस है, इसके ऊपर बात कर रही है, पाकिस्तान को अपना एडजस्टमेंट प्रोग्राम लेकर जाना चाहिए था जिसकी सपोर्ट हम लेते आईएमएफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया अंजुम निज़ार साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। अब जो सूरत हाल है उस पर आगे भी बात करेंगे, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मईशत की सूरत हाल के हवाले से अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने, मुमताज़ इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन रहे, उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा कि हम बड़ी बेचैनी के साथ इस सूरत हाल का इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF के साथ मुआहिदा जो है वो तय पा जाए, लेकिन वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। अब ये बात कही जा रही है कि रवां हफ्ते जो है ये मुआहिदा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि IMF जो है वो नहीं मान रहा कि जब तक आप चीन के जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं जी, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। बात बड़ी है कि हमारा मसला बहुत गहरा है, बहुत डीप है, ये आज का मसला नहीं, ये 75 साल की बुरी पॉलिसीज़ का है। ये इस वजह से है क्योंकि आपके पास टेक्नोक्रेटिक इनपुट कोई नहीं, आप सारी पॉलिसीज पॉलिटिकली बनाते हैं, आपके पास कोई टेक्नोक्रेटिक पॉलिसी नहीं बनती, यानी कि तहकीक से, यानी कि जैसे बाकी दुनिया बनाती है कि आप इकोनॉमिक्स की तहकीक करके डेटा देख के तरीके से बनाते हैं ताकि पॉलिसी ऐसी हो जो कि आपको क्राइसिस में ना लेके जाए। 75 साल के IMF प्रोग्राम के फेलियर्स की वजह से ये बहुत गहरा प्रॉब्लम हो गया, तो IMF भी सबको समझ नहीं आ रही क्या करें, हमें भी समझ नहीं आ रही क्या करें। क्वाइट फ्रेंकली हमारे जो मसले हैं वो बहुत गहरे हैं और उनको ठीक करने के लिए बहुत सारी स्ट्रक्चरल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो खामियाँ हैं आपकी पॉलिसी मेकिंग में, आपके काम करने के तरीकेकार में, आपके कल्चर में, वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी नहीं करेंगे तो अगले 2-3-4 फंड प्रोग्राम्स के बाद अर्जेंटीना की तरह हालत ख़राब होगी, फिर आप करेंगे तो कभी ना कभी तो इस मुल्क को वो काम करने हैं जो बाकी मुल्कों ने काफ़ी साल पहले, कुछ दहाइयाँ पहले कर लिए। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ठीक है ये स्ट्रक्चर चेंजेस जो हैं वो करनी है, लेकिन जाहिर है हम इस वक्त खदशात में उलझे हुए हैं और IMF की जो सूरत हाल है उस पर सारा इनसार जो है वो उधर चला गया है, तो आपको डाउन द रोड अब क्या लग रहा है? आपने जो अर्जेंटीना की बात की है, अगर ये IMF प्रोग्राम हो जाता है तो हम बच जाएंगे और हमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी कि हम कुछ कर सकें, या आप समझते हैं कि नहीं अभी हमारे पास IMF हो भी जाए तो हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं है? देखिए जी, मल्लम पट्टी लग जाएगी, पर जो अंदर से खामियां हैं, जो अंदर से मसले हैं, उनको ठीक नहीं आप कर सकते इतनी आराम से, उन पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर इरशाद की जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ 500
सरकारी इदारे बंद करने चाहिए, जो एजेंसीज हैं, तो अब उनको कौन बंद करेगा, कभी ना कभी तो बंद करनी है ना। ये भी बहुत दफा है कि सरकारी मुलाजिम बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, उनको खत्म करना पड़ेगा, कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा खत्म करना है। ये भी हमें सबको पता है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को खत्म करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेटाइज करें चाहे खत्म करें, ये भी सबको पता है। अब इसमें कोई छुपी बात तो नहीं, ये भी पता है कि बिजली का निज़ाम बहुत टूटा हुआ है, बिजली के निज़ाम को हमें ठीक करना है, इस तरह ठीक करना है कि उसको सेक्रेटरी और पावर डिवीजन से निकाल दें, अलहदा अलहदा करें, डिसेंट्रलाइज निज़ाम बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है। उसको हमने कोशिश भी की 2010 में, वापस कर दिया गया, उसको ठीक करें। रेलवे का निज़ाम, अगेन रेलवे को कॉरपोरेशन बनाए, रेलवे को अलहदा करें, कई मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई मिनिस्ट्रियों की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत है ऐसे मिनिस्ट्रियों की जहाँ काम ही नहीं मिनिस्टर का, तो और कैबिनेट भी छोटा करें, सरकारी मुलाजम कम करें। फिर ये मरात जो हैं, जो गाड़ियाँ बढ़ती जाती हैं, जो घर बढ़ते जाते हैं, जो और चीज़ें हैं, सरकारी ट्रिप्स बढ़ते जाते हैं, इनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, बाकी दुनिया में जो चीज़ है वही होनी पड़ेगी। बरतानिया के पास, पूरी बरतानिया की हुकूमत में कहते हैं 45 गाड़ियाँ, हमारे तो हर डिपार्टमेंट में 100-100 गाड़ियाँ हैं, हमारी पूरी हुकूमत में कहते हैं पता नहीं कितनी लाख गाड़ियाँ हैं। तो ये भी, और ये बताते भी नहीं है, क्योंकि या तो पार्लियामेंट को रिपोर्ट दे ना, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर है, किसके पास क्या घर है, कितने कनाल ज़मीन है, ये सब अगर IMF बेचारा क्या करे अगर आपने इसको ठीक ही नहीं करना। अब बात आ रही है क्लबों की, कि वहाँ भी आपने माशाल्लाह बड़ी मरात दी हुई है, फिर शुगर इंडस्ट्री को आपने किया हुआ है, फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो मतलब लिस्ट तो बड़ी लंबी है, और लिस्ट जो है हम सबको पता है और बहुत इस पे लिखा गया है। हमने PID की तरफ से तो बहुत इस पे काम किया, हमने ये भी कहा है कि ये NOC का निज़ाम ख़त्म करें, लोगों को तंग करना ख़त्म करें। जो लोग बेचारे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके पास रोज़ तंग करने आ जाते हैं कि अब ये दो अब वो दो, लोगों के ऊपर शक करना बंद करें। टैक्स चोर कम है जितना हम बताते हैं, हम लोगों को सीधा साधा टैक्स निज़ाम बनाएं, बजाय इसके कि डंडा मार मार के टैक्स इकट्ठा करें। अब आप टैक्स इकट्ठा करें इसलिए क्योंकि आपने फैलाव हुकूमत का इतना डाला हुआ है, हमने कैलकुलेट किया फुटप्रिंट हुकूमत का कोई 70-80% है। ये ख़त्म करें चीज़ें, सरकारी जो इदारे हैं उनमें जो याशी हैं उनको ख़त्म करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो करने वाली हैं, और ये हमें सोचना चाहिए, हमारा काम है, IMF का काम नहीं है। IMF बेचारा क्या करे, हमें आके बताएं मिनिस्टर। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने IPPs की बात की, देखिए इस निज़ाम ने यकीनन पाकिस्तान पे बहुत दबाव डाला है, लेकिन जो आपने मुआहदे कर छोड़े हैं, अब उसमें से अगर निकलने का रास्ता नहीं इनको नज़र आ रहा तो क्या किया जाए, कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है? पहले मुझे बताइए मुआहदे हुए क्यों? वो तो डॉक्टर साहब अब हो गए। नहीं हो गए नहीं, मेरा आई एम सॉरी, ये बात गलत है कि आप के जो भी बंदे हैं वो गलत मुआहदे करते रहे, गलत किस्म के कर्जे लेते रहे, उन कर्जों से सड़कें बनाते रहे। आपने सड़कें जितनी बना ली हैं, कोई ज़रूरत थी, इतने फ्लाईओवर बना लिए हैं, इतने आपके पास अंडरपास वगैरह ये वो चीज़ें, कोई ज़रूरत है सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स? क्या गाड़ियों का निज़ाम पे आप मुल्क चल रहा है या इंसानों के लिए बन रहा है? तो खुदा के वास्ते बिजली के भी जो आई पी पीज़ का मेरा ख्याल है जो सेंसिबल इकोनॉमिस्ट हैं वो शुरू दिन से कह रहे हैं गलत बात है, बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने लिखा है, उनको कहा कि आप सूडो इकोनॉमिस्ट हैं, आप धंधे इकोनॉमिस्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। भाई जो गलतियाँ करें उसको तो आप पकड़ते नहीं हैं, और आप फिर कहते हैं अब ये तो हो गया, कोई बात नहीं, अब ये तो हो गया। तो फिर यार अगर हो गया तो दुनिया ने ठेका तो नहीं आपका लिया हुआ, आप फिर दें, आपके लोग जो हैं अब सब पेट काट के पैसे वापस करें, क्योंकि आपने क्यों लिया था, आपने क्यों ये मुआहदे किए थे। तरीके होते हैं नेगोशिएशन के, नेगोशिएट अप करते हैं, कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ये क्या तमाशा है, एग्रीमेंट्स होती इसलिए हैं क्योंकि लोगों के सरकारी दौरे बाहर के लगते हैं। ये भी अब एक निज़ाम हमें सोचने वाला है ना, क्या सरकारी दौरों पर अग्रीमेंट होगी या अग्रीमेंट हम सोच समझ के करेंगे, क्या हम तहकीक करेंगे? हर अग्रीमेंट के पीछे बहुत लंबी तहकीक दुनिया करती है, हम तहकीक से डरते क्यों? हम तहकीक को इतना बुरा क्यों समझते हैं? हम तहकीक को गाली क्यों समझते हैं? आप गाड़ी भी लेते हैं तहकीक करते हैं, घर भी लेते हैं तहकीक करते हैं, हम अग्रीमेंट करते हैं बगैर तहकीक के, क्योंकि एक बंदे को शौक था बाहर जाने का। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कोई रास्ता है इसमें से निकलने का? हर गवर्नमेंट आती है वो ट्राई करती है, लेकिन IPPs का ऊंट जो है वो किसी करवट नहीं बैठ पाता, और वो हमें सबसे ज्यादा इस वक्त ब्लीड कर रहा है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, IPP जरूर ब्लीड कर रहा है, बट आपकी अपनी नाहलियों में तो ब्लीड कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, कितनी देर से हम कह रहे हैं, सारे इकोनॉमिस्ट सारे अच्छे लोग कह रहे हैं कि आप प्रीपेड मीटर्स लगा दें हर जगह,
ये क्या वजह है कि लोग बिल नहीं पे करते? तो प्रीपेड मीटर्स होंगे जैसे फोन का है कि पहले मैं पैसे दू, काट काटूं और फिर मैं जाके बिजली इस्तेमाल करूं, वो भी नहीं लगने देते क्योंकि सरकारी मुलाजिम कहते नहीं ये नहीं हो सकता। फिर हम कहते हैं कि भाई कम अज कम इस तरह करें कि बिजली का निज़ाम ऐसे ठीक करें कि हर बिजली के जो इदारा है वो अपने पाँव पर खड़ा हो, वो भी नहीं हम करते। फिर हम कहते हैं नेपरा को स्ट्रेंथन करो, नेपरा भी, और उसमें नेपरा में स्किल्स डालो, नेपरा में स्किल्स भी नहीं है। फिर हम कहते हैं कि जी ये जो बिजली की मार्केट है वो बनने दो, वो भी नहीं बनने देते। तो मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी। फिर हम कहते हैं टैरिफ का सिस्टम ठीक कर लो, वो भी नहीं करते। देखिए जी कोई एक चीज़ नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। हमें आदत पड़ गई है, हम सोचते हैं बस एक ही चीज़ करते हैं। देखिए हमारे बिजली के नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ आईपीपी का नहीं, और भी चीजें आईपीपी का है जरूर, मैं मानता हूँ, ये नहीं मैं कहता हूँ नहीं है। आपका सुई गैस में भी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपने एलएनजी मंगवा ली बगैर सोचे समझे, अब आप बेकॉक कर रहे हैं, बेकॉक आपसे होती नहीं है। तो देखिए ना, हर चीज बगैर सोचे समझे जल्दी में अगर करेंगे तो मार खाएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ पहली चीज खुदारा हुकूमत में स्किल्स लेके आए, खुदारा तहकीक को दे तरजीह, खुदारा कैबिनेट मीटिंग तहकीक के साथ करे। पूरी दुनिया में यही होती है, अगर आप इसी से करें तो तहकीक के साथ करें। ये जो निज़ाम है इकट्ठा करके चीज कर दी बगैर सोचे समझे जल्दी में कर दी, इसमें फिर गलतियां बहुत होती हैं। आपने बहुत अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि सारा इनसार आईएमएफ पे है, लेकिन जाहिर है कि 30 जून तक पाकिस्तान को $7 अरब के कर्जात वापस भी करने हैं। आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन में जबकि चीन और अमरीका जो हैं वो एक कशीदा सूरत हाल में है, पाकिस्तान बीच में ऐसी सूरत हाल में उलझ गया है कि ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है? देखिए जी, चीन और अमेरिका का हमसे इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, आईएमएफ का मुआहदा तो करना पड़ेगा और आईएमएफ का मुआहदा हमें सिर्फ 30 जून तक लेके जाएगा। उसके बाद बजट हमारा आना है, बजट देखते हैं हम क्या करते हैं, इलेक्शन का साल है, क्या बजट में करते हैं। उसके बाद फिर हमें एक और आईएमएफ प्रोग्राम साइन करना पड़ेगा, जरूरी है। आईएमएफ में बार बार बताता हूँ, आईएमएफ आपके लिए सिर्फ मलम पट्टी कर सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपका खुद जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी हुकूमत की सेहत खुद तरीके से नहीं रख सकते, अगर आप अच्छे तरीके से हुकूमत नहीं चला सकते, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट्स की भूख है इसको बंद करें, सड़कों की भूख है इसको बंद करें, काफी हो गई है भैया, हमारे पास बहुत सड़कें हैं। ये जो भूख है आपको कि ब्रिक एंड मोटर खर्चना है वो भी खत्म करें। नंबर दो, ये जो सब्सिडी हर किसी को देनी है इधर उधर वो भी खत्म करें। ये जो मरात है कि जी जनाब मुझे घर गाड़ी ये वो सब कुछ चाहिए, एक गाड़ी नहीं चार चार गाड़ियां चाहिए, पांच पांच, तो फिर तेल तो लगना है। और ये जो आपने प्लॉटिस्तान बनाया हुआ है कि जनाब प्लॉट बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ, वो भाई खुदारा लोगों को शहर के अंदर रहने दो। अब शहर फैल रहे हैं 100-100 मील, तो फिर गाड़ी तो चलनी है, और अगर गाड़ी चलनी है तो फिर तेल आपको मंगवाना है। तो ये सारी जुड़ी हुई चीजें हैं, बहुत डीप चीजें हैं, इनको सबको सोचना पड़ेगा। ये जो सुबह उठ के कोई मिनिस्टर ऐलान कर दे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो तरीका दुनिया में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। कोई मिनिस्टर ऐलान करके पॉलिसी नहीं कर देता, एक पॉलिसी कोऑर्डिनेटेड तरीके से ठीक तरीके से बनती है। वो हमने 75 साल से नहीं किया, हमने एक आजाद ख्याल हुकूमत बनाई हुई है, तो फिर उसके तो खर्चे देने ही है ना जी। नहीं है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल के अंदर जाहिर है पाकिस्तान के अवाम बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं, अर्जेंटीना की मिसाल दी जाती है, श्रीलंका की मिसाल दी जाती है। अब आप आईएमएफ से मुआहदा ये है कि हो जाएगा, ये हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी इस हफ्ते की कहा जा रहा है कि स्टेप लेवल पे हो जाएगा। हम मरम पट्टी के बाद क्या आपको दिखाई देता है कि हम खड़े हो पाएंगे, या 30 जून के बाद हमें इससे बदतरीन शराइत के साथ आईएमएफ को फिर गले लगाना पड़ेगा? नहीं जी, मेरा ख्याल ये सोचना ही चाहिए कि आईएमएफ की शराइत है, आईएमएफ की शराइत नहीं है। देखिए आईएमएफ भी मसला वो भी फंसी हुई है क्योंकि वो नहीं हमें डूबने देना दे सकती, बाई इंटरनेशनल कन्वेंशन वो हमें डूबने नहीं दे सकती। हमें अपनी इकोनॉमी का खुद ख्याल करना है। ये कहना कि शराइत गलत बात है, आप उस चीज़ में फंसते ही क्यों? अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे नदीम साहब, अगर आप सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, डॉक्टर पास जाएंगे फिर डॉक्टर से कहेंगे कि भाई मुझे शराइत ना लगाओ, तो डॉक्टर कहेगा यार पागल आदमी, सेहत तो आपने ख़राब की है, मैंने तो आपको बता रहा हूँ इलाज क्या है। अब आप अपना इलाज खुद करें, ज़रूर हमारा प्रोग्राम इस प्रोग्राम से नहीं ख़त्म होगा।
होगा, हमें आगे भी एक दो प्रोग्राम करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है, होना पड़ेगा ये। अगर ये होएगा तो फिर हमें अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपनी तहकीक करें, अपना प्रोग्राम बनाएं, अपना सोचें क्या करना है। ये जो हर रोज एक नया टैक्स लगा दें, ये तो गलत बात है, एक नए टैक्स से बात नहीं बनती। अखराजात कब खत्म होंगे, अखराजात कब कम होंगे, कौन से अखराजात कम होंगे, इस पर बेशक एक पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू कमेटी जो भी है बिठा दे, बैठ के सीरियस बात करे। ये नहीं कि जनाब वही पॉलिटिशियन तीन चार बैठ के उन्होंने गपशप लगा ली और कर दिया, नहीं, इस पे एक सीरियस तहकीक होनी चाहिए कि क्या ये जो 500 इदारे उस कमेटी ने कहा था कि ख़त्म कर दें, उसको क्यों नहीं ख़त्म होने दिया गया। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरुआत की गुफ्तगु सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। Allah.